हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर एक बार सुपर हिमर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि रियल क्रिएट 22 के कुछ फीचर्स के बारे में। गाइस मेरे को नहीं पता कि ये फीचर्स आएंगे कि नहीं, बट गाइस ये फीचर आएंगे तो मेरे को लगता है कि रियल क्रिएट जो है और भी रियलिस्टिक हो जाएगा। तो गाइस पूरा एंड तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में आप लाइक कर दीजिए। मैं आपको कोई भी नहीं बोल रहा कि अभी कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। तो गाइस अब यहाँ पर बात करने वाले कि कुछ फीचर्स के बारे में जो कि हम चाह रहे हैं रियल क्रिएट 22 के अंदर। तो गाइस पहला ये फीचर ऐसा है कि इसके अंदर कि आपको पता ही होगा, अगर बैट को लगने के बाद ही हम यहाँ पर रन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कहीं पर भी, अगर यहाँ पर बात करें तो हम क्रिकेट 22 या क्रिकेट 19 के बारे में, वहाँ पर देख सकते हो अगर आप बॉल को मिस कर रहे हो, अगर आप लेग बाइस कुछ भी कर सकते हो। बट मोबाइल क्रिकेट गेम्स में ऐसे ये होता है कि अगर आप बैट को टच नहीं हो रहा है बॉल, भाई आप रन ले नहीं सकते। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ऐसे देखकर तो भाई रियलिस्टिक नहीं लगेगा, अब रियल फील तो नहीं आने वाली ना। 22 अगर वो सब रहेंगे तो भाई आपको रियलिस्टिक लगेगी। बट ये फीचर जो है हमको अभी तक कोई भी क्रिकेट गेम यानी कि कोई भी मोबाइल क्रिकेट गेम के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो अभी रियल क्रिएट 22 आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ा गेम होने वाला है। तो गाइस अगर ये फीचर आ जाएगा ना तो मेरे को लगता है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। तो बस छोटा फीचर है, आप समझ रहे हो कि भाई ये फीचर क्या है, बट गाइस बहुत ही यहाँ पर निर्भर करता है फीचर। तो देखो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि लास्ट बॉल पर बस एक ही रन चाहिए होता है एक्सपर्ट मोड या हार्ड कोर में, तो एक एक बार बैट को लगता ही नहीं, फिर हार जाता हूँ या टाई हो जाता है मैच। तो मेरे को लगता है कि ये फीचर आना चाहिए। कभी ना कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा मल्टीप्लेयर में, तो भाई बहुत ही ज़्यादा काम आएगा अगर ये फीचर आएगा तो। तो आपको क्या लगता है कि यार लेग 22 और 22 आना चाहिए कि नहीं फीचर, मतलब कि अभी तक कोई भी क्रिकेट मोबाइल क्रिकेट गेम के अंदर नहीं आ चुका है। अगर आप क्रिकेट 22 या क्रिकेट 19 की अगर आप यूज़र हो तो आपको पता ही होगा वहाँ पर ऐसे सब कुछ फीचर्स हमको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर ये फीचर आएगा तो गेम रियलिस्टिक लगने लगेगा, क्योंकि जो क्रिकेट रूल्स होते हैं उसके हिसाब से अगर गेम भी रहे ना तो तभी क्रिकेट गेम खेलने में मज़ा आता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे और मेरे को लग रहा है कि श्योरली ये हमको अपडेट में देखने को मिल जाए, मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि एंड में क्या होता है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो सेकेंड फीचर ये बताने वाला कि ये फीचर मेरे को नहीं लगता कि आ सकता है, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि यार ये फीचर आ जाए। तो आपको पता होगा जब भी आप स्ट्रेट ड्राइव खेलते हो तो आपको पता होगा कि नॉन स्ट्राइक एंड पे एक विकेट्स होता है। अगर स्ट्रेट ड्राइव खेलते तो अगर उसके अंदर से चले जाते बैट के, मतलब कि स्टेम्स के अंदर से, अगर स्टेम्स को लगे ना तो फिर स्टेम्स को लगकर कुछ फील आना चाहिए, यानी कि स्टेम्स कुछ गिरना चाहिए ऐसा कुछ। तो आपको क्या लगता है फीचर आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्रिकेट 22 के अंदर ये हमको फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे को नहीं पता कि इतना ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे, बट ये फीचर मैं भी चाहता हूँ क्योंकि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाए। क्योंकि अगर जो नॉन स्ट्राइक एंड पे विकेट्स है ना, अगर उस पर लगेगा तो भाई वो विकेट है थोड़ा सा उसका बेल्स कुछ गिर जाए ऐसा कुछ, यानी कि वाइब्रेट हो जाए यानी कि मोबाइल, कि भाई थोड़ा कुछ और भी रियलिस्टिक लगेगा गेम। तो अब देखेंगे कि बाकी सब क्या होता है रियल क्रिकेट 22 के अंदर। तो बस ये फीचर्स मैं चाह रहा था रियल क्रिकेट 22 के अंदर, यानी कि बहुत बड़े बड़े फीचर्स नहीं हैं, छोटे फीचर्स हैं जो कि लेग 22 और 22 और ये जो विकेट वाला एटिंग यानी कि नॉन स्ट्राइक पे जो विकेट्स होते हैं उसको बॉल लगने पे भी यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेट एंड जो वहाँ पर विकेट्स होते हैं वो गिरने का, बेल्स गिरने का। बट पता नहीं ये फीचर आएगा कि नहीं, बट ये फीचर आएगा ना तो आप सोच लो कि भाई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स होने लगेगा। फीचर्स इतना बड़े नहीं है बट छोटे ये, अगर इन सभी को यहाँ पर ध्यान देने लगेंगे ना तभी गेम थोड़ा कुछ और भी रियलिस्टिक देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक वो सब तो भाई सेकेंडरी है, ये सब कुछ अगर रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे जैसे कि 22 लेग 22 वो सब होंगे तो मतलब कि क्रिकेट के रूल्स भी कवर हो जाएंगे, नहीं तो भाई बस बैट पे लगने पे आपको रन्स मिल रहा है तो फिर सोचो। WCC 3 के अंदर भी आना चाहिए फीचर, क्योंकि WCC 3 भी मेरे को लगता है कि करेगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी RC22 आएगा तो अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो भाई जो अच्छा गेम रहेगा उसको ही लोग फॉलो करने लगेंगे। तो मेरे को लगता है कि WCC3 भी ये फीचर जो कुछ फीचर्स होंगे उसको भी ऐड करने का कोशिश करें, तभी एक क्रिकेट गेम रियल बन सकता है। एंड WCC3 का भी अपडेट आने वाला है आपको पता है, बट पता नहीं क्या रहा कुछ कोच लेके आ रहे। एंड जब भी वो अपडेट आएगा उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, एंड जो कुछ भी रहेंगे वीडियो यानी कि किसी भी टॉपिक पर हो, WCC3, रियल क्रिकेट 20 और कोई भी क्रिकेट गेम, यानी कि मैं बस दो ही क्रिकेट गेम पे बनाता हूँ, ज़्यादा गेम्स में फोकस नहीं करता।
तो जो भी था गाइस मेरा ओपिनियन था, जैसे कि मैं भी एक क्रिकेट गेमिंग का फ़ैन हूँ, तो बस ऐसे फ़ैन मैं बोला हूँ। तो आपको ये फीचर आपको भी चाहते हो तो भाई ज़रूर से इस वीडियो को सपोर्ट करिए। अब देखते हैं आगे यहाँ पर नॉटलेस मोबाइल क्या करते हैं। हम पूरा उम्मीद करते हैं नॉटलेस मोबाइल से कि भाई ये फीचर आ जाए, बट मेरे को लगता है लेग बाइस बाइस तो भाई बिल्कुल आना चाहिए। वो जो कुछ भी मैंने थर्ड फीचर बोला वो सेकेंडरी है, यानी कि रियलिस्टिक हो सकता है। तो चलो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।